नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू तू मैं मैं। साथियों, 25 नवंबर को मतदान है और हमारी मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। 25 नवंबर का जो दिन है उसे अवकाश के दिन के रूप में न मनाएं, या ये ना सोचे कौन लाइनों में खड़ा रहेगा या कौन क्या करेगा, परेशान होंगे। वो परेशान होने वाला दिन नहीं है, वो आपकी सरकार बनाने वाला दिन है, वो आपकी उम्मीदों का दिन है। इसलिए मतदान जरूर करिए। और तू तू मैं की अभी की कड़ी में हमारे साथ हैं युवा जुझारू जोशीले नेता पंकज सुखवाल जी, जो जनता सेना के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपना प्रत्याशी आशु अग्रवाल के रूप में उदयपुर में उतारा है। तो सीधे जानेंगे पंकज जी, जनता सेना से आप हैं, फिर जनता सेना मेवाड़ बनाने की भी कोई आपकी एक बात बाहर निकली थी, आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, जो संरक्षक हैं, उन्होंने सीधा आपको सिंबल देने से मना कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भी चुनाव चिन्ह हम नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, कुछ सामरिक निर्णय होते हैं चुनाव के दरमियान, चूंकि पार्टी अभी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल का हमको दर्जा प्राप्त नहीं है, क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल है और कुछ अड़चने हमारे सामने थी उदयपुर में, और उस विधानसभा के कुछ समीकरण ऐसे बैठ रहे थे कि उन समीकरण को साधने के लिए ये क्षणिक रणनीति है। हम जनता सेना के कार्यकर्ता हैं, मैं वर्तमान में युवा जनता सेना का जनप्रतिनिधि हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा जो प्रत्याशी है वो जनता सेना का शहर जिला का उपाध्यक्ष है, और मेरे परम संयोजक जो है हमारे श्रद्धेय गुरु जी, उन्होंने जो सारे कवायद और जो चल रही है चकल्लत चुनावी उस पर शायद आज विराम लगा दिया था आपके इस पे कि हाँ जनता सेना का प्रत्याशी जी जी बताए। पार्टियां सनातन धर्म इसके नाम से वोट मांग रही, कोई विकास की बात कोई नहीं कर रहा, क्या कहेंगे? देखिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देख रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं, तो राम को प्रचार सामग्री समझने वाले, मेरे हृदय में बसने वाले मेरे राम को 2014 में देश की करोड़ों हिंदू जनसंख्या ने 382 सीटों का मैंडेट दिया, कानून लाएंगे, राम मंदिर कल बनवाएंगे, आप हमें वोट दो, जनता ने वोट दिया। मेरे राम जो 492 वर्ष से तंबू में थे वो 2019 तक और तंबू में रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दो चुनाव लड़ने थे, एक तो 5 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव थे राज्यों के, उस नाम पर उन राज्यों में भी जीत गए राम के नाम पर, फिर लोकसभा का चुनाव था 2019 का, उसको भी जीते, लेकिन मेरे राम तंबू में रहे। जिस पार्टी की उम्र 38 साल है वो कहे कि हम राम को लाए, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। राम 10,000 साल से भारत की आत्मा में विराजमान है, हमारे पुरखों ने कभी भी नहीं बिसराया मेरे राम को, सरयू के तट पे तब भी मेले लगते थे और अब भी मेले लगते हैं। ये राम जी के नाम को प्रचार सामग्री की तरह इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि असल में जेब खाली है, दुकान में सामान नहीं और दिखाने को कुछ नहीं है। 3 बच्चे कुत्ते काटने से मर जाए उदयपुर में, मनु भैया आपको मेरे को डूब मरना चाहिए, कुत्ते खा गए, माँ ने चॉकलेट लेने भेजा, 3 बच्चे मर गए, गलियों में गायें गायब हैं। ये हिंदुत्व की बात करने वाले बड़ी मई जून की गर्मी में टको टको में भरकर मेरी गौ माता को केवड़े की नाल में छोड़ आए जंगली जानवरों का शिकार होने के लिए, भूख प्यास से तड़पने के लिए, मरने के लिए, उनके नाम का चारा खा गए ये उदयपुर में, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इनको डूब मरना चाहिए। ये हिंदुत्व के नाम पर राम के नाम पर वोट मांगने वाले 10 से ज्यादा हिंदू मंदिर जमींदोज करते हैं। उड़िया पोल पर प्रभु हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है, उसका परकोटा तोड़ दिया जो कि 30 मीटर सड़क से अंदर था, और दारू की दुकान का रैंप सड़क पर आ रहा है उसी जगह उसको छोड़ दिया। तो हिंदू मंदिर चुनाव के बाद अतिक्रमण दिखते हैं। हम आपको पता होगा कि इनके आदेश थे ज्योतेश्वर महादेव मंदिर टाउन और लिंक रोड पर ये अपनी नियत साफ करे, कागजों में आदेश था मंदिर हटाना है। हम युवा जनता सेना के लोग उस मंदिर के सामने लेट गए, आपको पता है मनु भैया? हाँ बोलिए जी। तो हम लोग वहां रुककर
लड़कर उनसे उस मंदिर का संरक्षण किया। मेरी ताकत नहीं है तो महादेव ने मुझे ताकत दी थी कि यह मंदिर नहीं हटना चाहिए। वो मंदिर आज जनता सेना की वजह से नहीं हटा, वहां के व्यापारियों से पूछिए क्या कारण है कि हिंदू शमशानों की दुर्गति, कबूतरों की पीठ, शव ले जाने से पहले जहां विश्राम कर रहे थे अंतिम समय, ऑर्नामेंट खोलने हो या उनका शुद्धिकरण करके लिटाना हो शव को, वहां की स्थिति देखिए। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हिंदुत्व के नाम का कमा कमा कर खाने वाले हमको बोल रहे हैं कि राम को लाए, तुम राम से आए हो, तुम राम से मजे कर रहे हो, तुम राम से सत्ता प्राप्त करके लाल बत्तियों में घूम रहे हो, और तुम्हारा बड़ा नेता कहता है हम नहीं होते तो राम खाले में होते। अरे तुम्हारी उम्र 60 साल है, राम 10,000 साल से जिंदा है और हजारों करोड़ों साल जिंदा रहेगा जब भाजपा नहीं रहेगी या मैं नहीं रहूंगा या कोई नहीं रहेगा। क्या कारण है कि प्रवीण भाई तोगड़े की दुर्गति करी भी इन्होंने, जो विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नेता है। क्या कारण है कि गो भक्तों को गुंडे बोलते हैं ये लोग, ये हिंदू संतों का संरक्षण नहीं कर पाने वाले लोग, ये पलटन की मस्जिद में चुनाव में 25-25 लाख रुपए आप, 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 आप मैं बोलूंगा मनुजी बोलने दीजिए, पर सवाल तो करने दीजिए, बोलने दीजिए एक मिनट ये कंप्लीट कर जी। 25 लाख रुपए 2 दिन पहले पलटन की मस्जिद में फतवा जारी करने के लिए राम वाले देके आए, इनको शर्म आनी चाहिए जी। आप इतना सब कुछ बोले, आपके मन में बहुत क्रोध भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पार्टी से ही आए हैं ना, आप युवा मोर्चा के महामंत्री थे जी, जी। तो आप आए उसी से और अब उसी पार्टी को आप बता रहे हैं। देखिए मैं जनसंघी परिवार का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी जेल में रहे, उसका मुझे गर्व है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहे। लेकिन जी अटल जी वाली भाजपा जी, मूल्य मनोहर शास्त्री वाली भाजपा, परम आदरणीय सुषमा स्वराज वाली भाजपा वो नहीं रही है। इन्होंने सुचिता, ईमानदारी, अपनी विचारधारा खूंटी पर टांग दी है, सुविधा के अनुसार निकालते हैं। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघी परिवार का कार्यकर्ता मायूस होकर एक तरफ बैठा है, अपेक्षा का शिकार है, उपेक्षा का शिकार इन बड़े नेताओं की। ये 2-4 नेता जो दिन में 4 बार कुर्ता, आपके साथ क्या उपेक्षा हुई? नहीं मेरे साथ कोई उपेक्षा नहीं, मैं इनकी विचारधारा देख के अलग हुआ वैसे जी, मेरे को कोई कुछ भी मेरे मन में महत्वाकांक्षा नहीं है। आपने मुझसे पूछा ना पार्टी विलय होगा तो क्या करूं मैं, कहा मेरा करियर राम के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है, तो राम जहां ले जाएगा वहां चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान में इनकी जो स्थिति है उदयपुर में सब देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले कर साथ साथ पुश्ते तारने वाले समिति के अध्यक्ष जी, ये ताराचंद जी जैन साहब मेरे वार्ड के पार्षद हैं, इनसे वार्ड की जनता बिलबिला रही है कि एक बार दौरा कर लो, 5 साल में एक बार नहीं आने वाले ये भाई साहब, उदयपुर का क्या भला करेंगे ये तो राम ही जाने जी। फिर भी इतना गुस्सा इस पार्टी के लिए, जिस पार्टी के आप थे? नहीं गुस्सा कुछ भी नहीं, क्या भ्रष्टाचार क्या किया उदयपुर शहर में बताइए? 272 प्लॉट, 2,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, PIL दाखिल करके आए, हाईकोर्ट ने माना है कि हाँ घोटाला हुआ है, SOG जांच कर रही, सरकार ने माना घोटाला हुआ है, ये खुद को खुद की जांच करके क्लीन चिट देने की तैयारी में थे। मनु भैया उदयपुर में डस्टबिन खागा यार, आप क्या बात करते हो यार, आपने आंदोलन किया यार नगर निगम में, झूलों के पैसे खा गए बच्चों के, झूले नहीं है, पास हो गए, कागजों में दर्शा दिया मिल गए, इन चोरों और बेईमानों को ये बात करते हैं सुचिता की और ईमानदारी की? ये महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करेंगे और यहाँ हिंदुत्व का राग अलापेंगे? ये 10,000 करोड़ के घोटाले में शरद जी पवार की पार्टी के उप मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, रातों रात उजला हो जाएगा। इस तरह की जो गतिविधियां और अपनी विचारधारा से यू टर्न लेने वाली भाजपा मेरी भाजपा नहीं है जी। मेरी भाजपा अटल जी की भाजपा है, मेरी भाजपा सुषमा स्वराज जी की भाजपा है, उदयपुर के निवासियों की भाजपा वो भाजपा थी जो अटल जी की थी। तो इस प्रकार के आडंबरवाद, नाटकवाद, और सुनिए उदयपुर की जनता से वोट लेना है लेकिन 500 रुपए दिहाड़ी में और शाम को एक पौवे में हजारों लोगों के साथ महाराज की तरह रथ पर हाथ हिलाते हुए जाने, जनता के पास इनको जाने का समय नहीं, जनता से मिलने का इनको समय नहीं,
जनता के दोग लगाने का समय आ रहा है। माई बाप तो वही है, वही बनाएगा तुमको नेता। आपने शहर में कितने इलाकों में जनसंपर्क किया? देखिए करीब करीब हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, मोर देन 80% जी हम लोगों ने डोर टू डोर संपर्क किया है। और हमको बहुत संतोष है कि 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं से सीधा जुड़ा और 5-5 मिनट हमने प्रत्याशियों ने हमने बात की है। 80% जी इलाके में आप घूम लिए जी, तो क्या समस्याएं सामने आई? बहुत समस्या है, जैसे जनता बहुत पीड़ित है। अभी मैं 2-3 दिन से शहर कोट के भीतर घूम रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर शहर को बेच दिया है ना, स्मार्ट सिटी टैक्स लगाने की तैयारी अगले प्री बोर्ड की बजट में, लेकिन वो जो सड़कें बनाई हैं सीसी वाली सीमेंटेड, ब्रेक लगाते ही बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। घाटियों में जब पानी आएगा बारिश के टाइम में तो संभाले गाड़ियां नहीं संभलेगी। क्या इनका विजन है, क्या समस्या है? समस्या उदयपुर को इन्होंने विरासत में दे दी है। सीवरेज बैकफ्लो मार रहे हैं लोगों के घरों में, गंदा जल उफान उफान के पूरे घर में फैल रहा है। जनता त्राईमाम कर गई उदयपुर की, लेकिन इन मोटी चमड़ी के गेंडों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस बार जनता का मानस तय है, बहुत साइलेंट वोटिंग होने वाली है। जनता सेना का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। 1.5 लाख मतदाताओं को हमने छुआ है और 5 तारीख से हम कैंपेन चालू किए हुए हैं साहब। आज 23 तारीख है, 18 दिन लगातार मेरे जनप्रतिनिधि ने पूरा उदयपुर नापा है। इनमें दम नहीं जनता के पास जाने का, क्योंकि खाते खाली हैं, नकली हंसी चेहरे पर नकाब लिए बैठे हैं, खुद के खाते बिगड़े हैं, हमारा हिसाब लिए बैठे हैं। इनसे पूछिए कि उदयपुर का उद्धार कब करोगे, कब सड़क की बात करोगे, कब सूरज पोल चौराहा व्यवस्थित करने की बात करोगे, कब हेरिटेज बिल्डिंगों को सुधारने की बात करोगे। सूरज पोल चौराहा भर भरा के दे गया और इनका महापौर लुंगी बदल बदल के पोज देता रहा अखबार में, राजस्थान पत्रिका के, आप उठा के देख लीजिएगा कटिंग, हैवी रेनफॉल था। गुलाब बाग के अंदर पानी मर रहा था, सड़के झील बनी हुई थी, सूरज पोल भर भरा कर गिर गया दरवाजा। और इनके महापौर के रेलिंग के पास लुंगी में ये वाले पोज के फोटो थे, तो इसलिए थोड़ी तो कुल मिला के ये देखा जाए, आपने तो नया प्रत्याशी उतारा है जी। और आपकी पार्टी में जितने भी लोग हैं, युवा जोश है, कोई गुटबाजी नहीं है जी। बीजेपी और कांग्रेस में क्या मानते हैं आप? भाजपा का जो चयन हुआ टिकट का, या कांग्रेस के टिकट का चयन हुआ, क्या रहा? देखिए वर्षों से इन दोनों पार्टियों को यहाँ ढोने वाले नेता, जाजम बिछाने वाले नेता, कुर्सी लगाने वाले नेता, जब मौका आया तो दरकिनार कर दिए गए, उठाकर दूध में से मक्के की तरह फेंक दिया गया। यही पिछले बार नगर निगम के चुनाव में ओबीसी के दर्जनों 12 कैंडिडेट दोनों पार्टियों में थे, लेकिन नहीं, 75 साल सर्विस करके एंजॉय करके पीएफ जीपीएफ सबके मजे लेकर आने वाला एक अधिकारी इनकी छाती पर मूंग डाल रहा है। और ये टीस इनके मन में कहीं ना कहीं है कि काम करने वाला जाजम पे बैठने वाला आदमी अंतिम दौर में जाजम से टक्कर बाहर क्यों कर दिया जाता है। रविंदर शिमाली थे, योग्य चेहरा था, भारत सिंह भी थे, योग्य चेहरा था, प्रमोद जी सावंत थे, विजन वाले नेता, योग्य चेहरा था। कांग्रेस में पंकज जी शर्मा थे, राजीव जी सवाल का थे, दिनेश जी शिमाली थे। खैर राजीव जी का तो दावा क्योंकि जनरल सीट है तो मैं नहीं मानता, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को, उदयपुर के लोगों को मिलना था जो बेस समझते हैं, जो जमीनी मुद्दे जानते हैं, उनको पता है कि कहाँ क्या करना। यूआईटी के दौर में रविंद्र जी का कार्यकाल अच्छा था, सड़कें खुली सब कुछ हो, लेकिन योग्यतम उम्मीदवार को घर बिठाकर, हकदार को घर बिठाकर हक मारा जाना, और एक बुजुर्ग वयोवृद्ध नेता जो मोदी जी की सभा में सो जाए, जो अपने नामांकन के टाइम करंटे भर रहे हो, और जो एक वार्ड के पार्षद और वहां की जनता बिल बिला कर रो रही होगा हमारा पार्षद का है, उदयपुर का बेड़ा गर्क होने से बचाने के लिए हमने प्रत्याशी उतारा। क्या चुनावी घोषणा पत्र क्या है आपका? देखिए अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी, ₹500 के स्टाम्प पर लोग नोटरी गारंटी आपको उदयपुर की जनता को दे रहे हैं जी, कि सबसे पहले जो उदयपुर में कुत्ते फैले हुए और ये मेनका जी का बहाना बनाकर 3 कुत्ते मर गए, आरामखोर हो जाए तो जेल में मारा जाता है, राष्ट्रीय पशु भी मारा जाता है। आदमखोर कुत्ते उदयपुर में बच्चों को चीर फाड़ रहे हैं,
हम कोर्ट के माध्यम से सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन कुत्तों को शहर से बाहर करेंगे जी। डस्टबिन पुनः लगेंगे, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। उदयपुर के महिलाओं को राहत देंगे, झीलों के कैचमेंट में जो कब्जे किए हुए करोड़ों करोड़ों रुपए के बाउंड्री बनाकर वो हटवाएंगे। तेज शंकर जी पालीवाल साहब वयोवृद्ध व्यक्ति, बरसों से इन झीलों के लिए लड़ रहा, लेकिन उस व्यक्ति के साथ कोई जाकर खड़ा नहीं हुआ। मैं सबसे पहला काम उनके साथ एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हूँ, जन जागरण की तैयारी में हूँ। उदयपुर शहर को येन केन प्रकार राहत दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरा प्रत्याशी आप बैठेंगे तो आपके पास आकर बैठेगा। मेरे पैम्पलेट में मैंने अपने प्रत्याशी के नंबर दिए हैं, 15 साल से उसने नंबर नहीं बदले। आधी रात को फोन लगा के देख लेना, उधर से आवाज आएगी मैं आशु अग्रवाल। ना पीए को फोन देंगे, ना टीए को फोन देंगे, ना कोई दलाल रखेंगे, ब्रोकर रखेंगे, जनता से सीधा जुड़ाव रखेंगे जी। बड़ा जोरदार घोषणा पत्र है आपका। अंतिम सीमा आते समय सीमा आपको जाना है, क्या अपील है मतदाताओं से, क्या कहना चाहते हैं? मतदाता समझदार है, इतने लोगों से हम लोग मिलेंगे 1.5 लाख मतदाताओं से। हर आदमी ने कहा है कि हम पीड़ित हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं। एक तरफा यदि किसी का शासन रहेगा तो बेलगाम हो जाएगा। ये बेलगाम नेता उदयपुर की जनता को भेड़ बकरी ना समझे, जीते जागते मनुष्य हैं, इनकी जरूरतें हैं और इनकी जरूरतें आप पूरे नहीं कर रहे हो। चुनाव के टाइम में आप इनसे व्यक्तिगत मिलने नहीं जा रहे हो, तो चुनाव के बाद तो आप मिस्टर इंडिया हो नहीं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जितना खर्चा अभी कर रहे हैं वो वापस वसूलना तो है, जीत गए तो। मेरे प्रत्याशी ने कोई खर्चा नहीं किया, मेरा प्रत्याशी दारू नहीं पिला सकता, मैं उसके खिलाफ हूँ। राजनीतिक सुचिता की शुभारंभ हमने पहली बार ये नवाचार करके दिए, ना किसी को दारू पिलाया, ना पिलाएंगे, ना फुकट की चाय पिलाएंगे। एक जगह में प्रचार कर रहा था, दो आदमी बेचा विमल खिलाओ वोट दो, मेरे को विमल खिलाऊ वोट नहीं मिले और मैं विमल नहीं खिले सकूँ। आपने भैया वोट दीजो न मत दीजो, मेरा प्रत्याशी सेवा करेगा उदयपुर की जनता से। विशेषकर जिन जिन से हम लोग मिले हैं 1.5 लाख मतदाताओं में से, उनमें से आपने अपने दिल पर हाथ रख के बोला है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। 20 साल से उदयपुर की जनता वोट बिगाड़ रही है। हमारे कंधे पर जिम्मेदारी नहीं है कि भाजपा का फलाना नेता विधायक बन जाए, हमारे कंधे पर जिम्मेदारी नहीं कि कांग्रेस का बन जाए, और हमारे माथे ये भी जिम्मेदारी नहीं कि आशु अग्रवाल बन जाए। आपको मत पेटी के अंदर से बेटा और सेवक पैदा करना होगा। मेरी गारंटी है एक आवाज पर हम लोग खड़े होंगे। हम 5 साल से लड़ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम आपने देखा है मनु भैया। जनता को पीठ दिखाकर भागने वाले नेता बहुत देखे, हम जनता के साथ बैठकर जनता के मुद्दों की बात करेंगे और इंडिविजुअल मुद्दे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे युवा जोशीले नेता पंकज सुखवाल जी। 25 नवंबर को मतदान है और आपको ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करना है। 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और 11वें के रूप में नोटा है, किसे भी चुनाएं, लेकिन मतदान जरूर करें। नमस्कार।